हाय एवरीवन, पीरियड्स में हम सबका एक रूटीन होता है, चाहे वो रूटीन हम इंटेंशनली फॉलो कर रहे हो या हमसे जाने अनजाने में हो जाए। तो डिटेल में पीरियड रूटीन तो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया है। आज मैं आप लोगों के साथ मेरा पीरियड हाइजीन रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं मेरे पीरियड स्टार्ट होने से ही फॉलो कर रही हूँ। कुछ इनमें से बेसिक चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें मैं जाने अनजाने में फॉलो करती आई हूँ और कुछ चीज़ें मैंने टाइम के साथ चेंज की हैं। जब हमें पीरियड्स होते हैं, मंथ के उन 5-6 डेज में हम इरिटेटेड, स्ट्रेस्ड एंड पेन फील करते हैं। पीरियड्स के टाइम हम हर तरह के इमोशंस को फील करते हैं और कभी कभी ये स्ट्रेसफुल भी होता है। तो उस टाइम पे स्ट्रेस से फाइट करने का एक तरीका है क्लीनिनेस एंड हाइजीन को मेंटेन करना। इन्फेक्शन एंड अदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए आपको बहुत सारी बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो क्लीन एंड सेफ पीरियड के लिए मैं कुछ हाइजीन रूटीन शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहला और सबसे बेसिक है शावर। ये तो शायद ही कोई होगा जो अपने पीरियड्स में ना करता हो। पीरियड्स के टाइम पे ओडर प्रिवेंट करने के लिए अपने बॉडी को क्लीन रखना इम्पॉर्टेंट है। दिन में एटलीस्ट एक बार तो जरूर नहाएं। अपने आप को क्लीन करने के बाद अब चाहे पीरियड्स हो या ना हो, अपने अंडरगार्मेंट्स को हमेशा अच्छे से क्लीन एंड ड्राई करना चाहिए। मैं इसे वॉश करते टाइम इसमें डिटॉल मिक्स करती हूँ और फिर वॉश करती हूँ, और इसे मैं हमेशा अलग से ही साफ करना पसंद करती हूँ। ये मैं सभी कपड़ों के साथ मिक्स नहीं करती हूँ। और पीरियड डेज में कॉटन अंडरवेयर ही पहनना चाहिए। नॉर्मली भी कॉटन यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, पर इस टाइम पे कॉटन ही यूज करें और कम्फर्टेबल क्लोथ्स पहने। डैम्प टॉवल एंड हैंकीज ना रखें, हमेशा इन्हें अच्छे से ड्राई करें। टाइम टू टाइम इन्हें चेंज करना भी इम्पॉर्टेंट है ताकि इन पे बैक्टीरिया ना हो और वो क्लीन रहें। और बैक्टीरिया वाले टॉवल अपने पूरी बॉडी पे रब करने की जगह क्लीन टॉवल से आप अपनी बॉडी को ड्राई करें। मुझे मेरे टॉवल क्लीन ही पसंद है। वीक में एक बार या दो बार वॉश कर लेती हूँ। जब भी मुझे ये गंदे लगते हैं तब मैं इसे वॉश कर देती हूँ। पीरियड्स के टाइम मुझे पैड्स यूज करना ही पसंद है। टैम्पॉन्स और मेंस्ट्रुअल कप मैं नहीं यूज करती हूँ। मुझे विस्पर, स्टेपरी वगैरह यूज करने से बहुत ज्यादा इचिंग होती है और उनसे रैशेस भी हो जाते हैं, तो मुझे ऐसे पैड्स चाहिए होते हैं जो रैश फ्री हो। मेरे पीरियड रूटीन वाले वीडियो में आप में से किसी ने नुआ सैनिटरी पैड्स ट्राई करने बोला था और इनको ट्राई करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 100% रैश फ्री है, लीक प्रूफ टेक्नोलॉजी के साथ 50% वाइडर पैक है, अल्ट्रा थिन है और ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि कुछ लगाया है, और प्लेजेंट पीरियड एक्सपीरियंस के लिए टॉप लेयर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। मेरी सेंसिटिव स्किन है तो मुझे ऐसे ही पैड्स चाहिए होते हैं। नुआ अल्ट्रा थिन सैनिटरी पैड्स में ना केवल इनोवेटिव फीचर्स हैं बल्कि इजी डिस्पोजल के लिए डिस्पोजल कवर भी है। ऐसे सही रहता है, रैप करके एनवेलप में डालो और डिस्पोज कर दो। इनके कस्टमाइजेबल पैक में आपके फ्लो के अकॉर्डिंग 3 साइज के ऑप्शन है, हैवी फ्लो के लिए XL, मीडियम के लिए L और लाइट फ्लो के लिए R, और ये एक फ्लेक्सिबल ऑटो रिपीट प्लान के साथ आते हैं जो कि इंश्योर करता है कि आपके पैड्स कभी खत्म ना हो। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं, पैराबेन एंड टॉक्सिन्स फ्री हैं। अगर आप ये ट्राई करते हैं ना तो आप खुद फील करेंगे कि ये कितना ज्यादा कंफर्टेबल है। जितना इम्पॉर्टेंट है गुड इंटीमेट हाइजीन मेंटेन करना, उतना ही इम्पॉर्टेंट है अपने यूज्ड प्रोडक्ट को प्रॉपरली डिस्पोज करना। मैं हमेशा वही रैप यूज करती हूँ जो पैड मैंने यूज किया है। रैप को फेंकने की जगह मैं अपने यूज्ड सैनिटरी पैड को इनमें रैप करके फिर इन्हें डिस्पोज करती हूँ। स्पेशली जब आप हॉस्टल या कहीं पब्लिक एरिया में वॉशरूम यूज करते हैं तो जैसे आप अपने घर में से डिस्पोज करते हैं ना, वैसे ही इन्हें अच्छे से रैप करके डिस्पोज करें ताकि इन्फेक्शन स्मेल स्प्रेड ना हो, और ऐसे पैड्स में इन्वेस्ट करें जो आपके स्किन के लिए अच्छे हों और डिस्पोज करने में भी इजी हों। पीरियड्स में मोस्टली सबको पेन होता है, किसी को स्टमक में, किसी को बैक पे। इससे रिलीफ पाने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लोअर एब्डोमिनल में मसाज कर सकते हैं, हर्बल टीज या एंटी इंफ्लेमेटरी फूड खा सकते हैं। ये सब करने का मन ना हो और तुरंत रिलीफ पाना हो बिना ज्यादा कुछ किए तो आप हीट पैच यूज कर सकते हैं। हीट पीरियड पेन को कम करने के लिए एक हाईली इफेक्टिव, नेचुरल एंड सेफ वे है।
नुआ का क्रैम कंफर्ट हीट पैच ये हॉट वाटर बैग से इंस्पायर्ड है। पीरियड पेन से मैक्सिमम रिलीफ देने के लिए 8 आवर्स तक सूदिंग हीट प्रोड्यूस करता है। ये आप अपने स्टमक या बैक क्रैम के लिए यूज कर सकते हैं। इस पैच को आपको अपने अफेक्टेड एरिया में स्टिक करना होता है, पर डायरेक्टली स्किन पे ना करें, अंडरवेयर या कपड़े के ऊपर ही करें। ये अपने आप हीट होना स्टार्ट होता है क्योंकि ये पैचेस सेल्फ हीटिंग एयर एक्टिवेटेड टेक्नोलॉजी से बने हैं, यानी कि ये एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में आने पर हीट प्रोड्यूस करते हैं। इसे मैक्सिमम 8 आवर्स तक लगे रहने दे सकते हैं। ये आपकी मसल्स को रिलैक्स करते हैं और एंश्योर करते हैं कि पीरियड ब्लड का पैसेज स्मूथ हो। इससे पीरियड क्रैम्प्स को रिड्यूस करके आप ज्यादा कंफर्टेबल एंड लेस पेनफुल पीरियड कर पाएंगे। इसे लगा के आप चाहे बाहर जाएं या घर में बेड में रहने का मन हो, ये पोर्टेबल है, इसे यूज करना एंड कैरी करना बहुत ही इजी है। क्रैम्प कंफर्ट टोटल पीरियड केयर ऑफर करता है ताकि आप अपने फ्लो के साथ जा सकें। पैच के ठंडा होने के बाद सिंपली एक साइड से कट करें और इसे वेट वेस्ट में एम्प्टी करके बाकी आउटर कवर को ड्राई वेस्ट में फेंक दें। अपने स्किन के लिए, अपने कंफर्ट के लिए पीरियड डेज में आप नुआ सैनिटरी पैड्स एंड क्रैम्प कंफर्ट हीट पैच में डेफिनेटली इन्वेस्ट करें, ये वर्थ है। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हमेशा मैं पहले अपने हैंड्स को वॉश करती हूँ, फिर अपने पीरियड प्रोडक्ट्स को चेंज करती हूँ। एवरी 2-4 और 4-6 आवर्स में पैड्स को चेंज कर लेना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से टाइप का प्रोडक्ट यूज किया है और आपका फ्लो कितना हैवी है। अपनी चॉइस के प्रोडक्ट को रेगुलरली चेंज करने से ब्लड पे बैक्टीरिया ग्रो होने से प्रिवेंट करेगा, जिससे फिर बैड ओडर भी क्रिएट नहीं होगा और इन्फेक्शन का खतरा भी नहीं रहेगा। और चेंज करने के बाद भी हैंड को जरूर वॉश करना चाहिए। ना केवल मुझे मेरी बॉडी को क्लीन करना पसंद है, बल्कि मैं मेरे बेडशीट्स को भी क्लीन रखना पसंद करती हूँ। और ये सिर्फ मैं मेरे पीरियड डेज में ही नहीं, नॉर्मली भी क्लीन रखती हूँ। और ऐसे में सोने टाइम अगर आपको लीक्स प्रॉब्लम होती है तो आप बेडशीट के ऊपर डार्क कलर का टॉवल रख सकते हैं, इससे आपकी बेडशीट गंदी नहीं होगी। बेडशीट क्लीन रहेगी तो बैक्टीरिया भी इस पे नहीं होंगे और स्किन प्रॉब्लम जैसे कि एक्ने वगैरह भी नहीं होंगे। तो इस टाइम पे भी बेडशीट चेंज करना चाहिए। रोज मत करो पर 2-3 दिन में कर लो। वैसे मैं वीकली चेंज करती हूँ, पर इस टाइम पे वीक में 2 बार चेंज कर लेती हूँ। पीरियड डेज में बाहर जाने टाइम हमेशा मैं एक्स्ट्रा पैड्स कैरी करती हूँ और उसके साथ सैनिटाइजर, हैंकी और हेल्दी स्नैक जैसे कि बनाना रखती हूँ। और इसके अलावा जो भी मुझे चाहिए होता है वो सब रख लेती हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं वैसे भी कैरी करती हूँ, बट पीरियड्स में पैड्स में ज़रूर रखती हूँ। ऐसे नॉर्मली कभी भूल गई तो भी चलता है, पर इस टाइम पे भूल नहीं सकते हैं, रखना ही चाहिए, क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए। जब भी मैं वॉशरूम जाती हूँ तो मैं वजाइना नॉर्मल पानी से अच्छे से क्लीन करती हूँ, चाहे मुझे पीरियड्स हो या ना हो। मुझे ऐसे बिना वॉश किए अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसे टाइम पे भी मैं बिना वॉश किए नहीं रह सकती हूँ। हमेशा फ्रंट से बैक की तरफ वॉश करना चाहिए। इंटीमेट एरिया को वॉश करने के लिए वी वॉशेस भी यूज कर सकते हैं, जो स्पेशली इंटीमेट एरिया के लिए बने हों। और वॉश करने के बाद ड्राई करना भी जरूरी है, वरना फिर इचिंग, इरिटेशन हो सकती है। एंड लास्ट, स्किन केयर। दिन में 2 बार फेस वॉश करना एंड मास्क वगैरह अप्लाई करना, क्योंकि इस टाइम पे हम सबको एक्ने, पिंपल्स होते हैं और इससे फिर इरिटेशन, पेन होता है, तो ऐसे मास्क वगैरह से रिलीफ मिलता है। वैसे तो मुझे कॉफी मास्क अप्लाई करना पसंद है, पर आज ये मैं दूसरा मास्क अप्लाई कर रही हूँ। ये एक्ने से फाइट करता है और पोर्स को अनक्लॉक करता है। मास्क अप्लाई कर लिया है, अब ये कम्प्लीटली ड्राई होने से पहले मैं इसे वॉश कर लूंगी। इसी के साथ ये रूटीन होता है यहाँ खत्म। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, और जाने से पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय।